होली स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट कोकोनट मलाई पेड़ा। कोकोनट मलाई पेड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और होली आ गई है, होली पर कुछ मीठा ना बनाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस होली पर आप भी अपने परिवार के लिए ये मलाई पेड़ा बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम मुँह में घुल जाने वाला ये मलाई पेड़ा है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोकोनट मलाई पेड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप नारियल का बुरादा लिया है और साथ ही साथ मैंने 1 कप यहाँ दूध लिया है। तो दूध को हम डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि दूध अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। तो ये देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट इसे पका लिया है, दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई। आप चाहें तो घर में जो दूध हम उबालते हैं जब मलाई आ जाती है तो वो डाल सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रेश क्रीम मिलती है मार्केट में वो डाल सकते हैं। तो 1/2 कप मैंने फ्रेश क्रीम डाली है। मलाई डालने से कोकोनट पेड़ा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये लीजिए, मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं चीनी। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी वैसे ये पहले से पतला होता जाएगा। तो लगातार हम 3 से 4 मिनट इसे चलाते हुए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो पका लेते हैं करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे। देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और आप देख पा रहे होंगे पहले से ये थोड़ा पतला भी हो गया है। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और 3 से 4 मिनट इसे मैंने पका लिया है। तो अब मैंने यहाँ 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अच्छे से गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसे मिक्स करते रहेंगे और लगातार चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट इसे पका लेंगे। तो सारे ही मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा एकदम मावे का टेक्सचर आएगा, बहुत ही अच्छा खोए जैसा इसका टेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो 200 ग्राम इसमें मावा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है। एक भी गुठली इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और शाइनिंग भी आएगी और बहुत ही अच्छे से ये इकट्ठा हो जाएगा यानी कि पैन को छोड़ने लगेगा। तो इसे पका लेते हैं 1 से 2 मिनट और। 1 से 2 मिनट हो गई हैं और ये अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मिक्सर को हम ठंडा कर लेंगे ताकि पेड़े अच्छे से बन सकें। तो देखिए, मिक्सर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो हथेली पर थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सर हम लेंगे और हथेली पर अच्छे से गोल बना लेंगे पहले, जैसे लड्डू होते हैं एकदम लड्डू की तरह। इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से हम इसे बनाएंगे और फिर अंगूठे और उंगली की सहायता से इसको पेड़े की शेप देंगे। आप चाहें तो इसे किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी प्लेट पर अच्छे से रोल कर लीजिए, जिससे बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी पेड़े की। देखिए, ऐसे सारे ही पेड़े हम ऐसे बना लेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है, इससे हम इसको कोट कर लेंगे अच्छे से, जिससे और भी ज़्यादा ये सुंदर लगेंगे। देखिए, अच्छे से कोट करने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी यानी कि रेड कलर की टूटी फ्रूटी मैं यहाँ ले रही हूँ। आप चाहें तो चेरी ले सकते हैं, जैम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसी से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही और बना के दिखा रही हूँ मैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हथेली पर पहले अच्छे से गोल कर लेंगे, बिल्कुल लड्डू की तरह। और अब इसे हल्का सा हम प्रेस करेंगे और पेड़े की इसको शेप दे लेंगे।
बिल्कुल जैसे पेड़े होते हैं, बहुत ही आराम से बन जाएंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। और थोड़ा सा नारियल बुरादे में हम इसको कोट कर लेंगे और हम इस पर टूटी फ्रूटी लगा देंगे। ऐसे ही सारे पेड़े बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, सारे पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले मलाईदार पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए, मैं इसे दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है और एकदम मुंह में घुल जाने वाले, बड़े या छोटे सभी इसको आराम से खा पाएंगे। और इस होली पर आप भी अपने परिवार के लिए ये मिठाई बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।